लेजी इंतजार खत्म हुआ और सालहा ने अपने आने वाली शहजादी बेटी का इंतहाई शानदार कमरा अपने मदाहों को दिखा दिया और दिखाया कि आखिर कमरे में क्या क्या मौजूद है और बेटी के कपड़ों की अलहदा अलमारी और बेटी के तमाम कपड़े भी अपने मदाहों के साथ शेयर किए। सालहा की बेटी जो कि अभी इस दुनिया में भी नहीं आई, सालहा ने इसका कमरा इतने शानदार अंदाज से डेकोरेट किया कि देखकर तमाम लोगों के होश उड़ गए। फलक शबीर ने अपनी आने वाली बेटी का कमरा दिखाते हुए लिखा कि बहुत जल्द वो इस दुनिया में आ रही है, मगर कमरे की मुकम्मल वीडियो आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। मगर उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। सारा खान का शुमार पाकिस्तान की अदाकाराओं में होता है जिन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के पीरियड को काफी एंजॉय किया और हर चीज अपने फैंस के साथ भी शेयर की। सारा खान और फलक शबीर काफी टाइम से अपने फैंस से अपने आने वाले बच्चे और सारा खान की प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहले फलक और सारा को जैसे ही मालूम हुआ सारा खान प्रेगनेंट है तो इन्होंने मदाहों के साथ भी न्यूज फौरन से शेयर कर दी। उसके बाद आयरस तमाम फैंस को सारा खान की अपने बैली पर हाथ रखे तस्वीर और वीडियो देखने को मिलने लगी। यहाँ तक की सारा खान ने अपने तमाम फैंस के साथ अपने आने वाले बच्चे की शॉपिंग भी शेयर की और सारा खान प्रेगनेंसी में कैसे डाइट करती है, सारा खान प्रेगनेंसी में कौन सा वर्कआउट करती है, सारा खान ने सब कुछ अपने मदाहों के साथ शेयर किया। सारा खान आने वाले बच्चे की शॉपिंग के लिए जब भी बाजार जाती तो फलक शबीर सारा खान की वीडियो मदाहों के साथ शेयर करता है। इसके बाद सारा खान ने मदाहों को यह भी दिखाया कि वो हॉस्पिटल जब डिलीवरी के लिए जाएंगी तो साथ क्या क्या लेकर जाएंगी। इन तमाम चीजों को देखते हुए इनके फैंस काफी इंतजार कर रहे थे कि आखिर वो दिन कब आएगा जब सारा खान का बच्चा इस दुनिया में आएगा, वो तमाम लोग उसकी तस्वीर और वीडियोस भी देख पाएंगे। तो रिसेंटली फलक शबीर ने मदाहों को खुशखबरी सुनाते हुए बताया कि इनकी बेटी बहुत जल्द इस दुनिया में आने वाली है, साथ ही बेटी का शानदार कमरा भी अपने तमाम मदाहों को दिखाया, जो कि आइए आप लोग के साथ मिलकर देखते हैं। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हसीन, जो मैं गा सुमा